बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में चल रहे दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का समापन हुआ, जिसके संबंध में बीएससी रमेंद्र सिंह ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का समापन हुआ है जो कि दो दिवसीय था, जिसमें सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे विद्यालय को निपुण बनाया जाए और छात्रों के स्ट्रेस को दूर करके उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा छात्रों के गार्जियन को प्रेरित करके बच्चों को विद्यालय भेजकर सभी को निपुण बनाना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भाषा व गणित में जनपद के सभी बच्चों को दक्ष बनाना है और जहां कहीं भी अध्यापकों को फील्ड में समस्या आती है तो हम लोग जाकर उसका समाधान करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, जब अर्चना मैम पिपरौली के बाद वहाँ पे पिपरौली इसका लास्ट ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव चल रहा है, दो साल मतलब दो दिवस का था, ये दो दिवसीय कार्यशाला थी। इसमें हम लोग अपने ईआरपी को, डायट मेंटर्स को, एसआरजी को और बीओ को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे डिस्ट्रिक्ट के न्यू हैं और ये हमारे एजुकेशन लीडर्स हैं। हमें कैसे विद्यालयों को निपुण बनाना है, तो आज हमारे यहाँ देवभूमि संस्कृति से हमारे प्रोफेसर श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी भी आए थे और हम लोगों ने इसमें इनको कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, क्षेत्र में कैसी समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे मैनेज करना है, स्कूल्स में हमें अध्यापकों को कैसे मोटिवेट करना है, हम लोग इसी के ऊपर कार्यशाला कर रहे हैं, जिससे हमारे ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अपने जब ब्लॉक में जाएं तो इनको इनके अंदर में जितने भी विद्यालय आते हैं इनके अंडर में सभी को ये निपुण बनाने में पूरा सहयोग करें। हाँ, इसमें हम लोग अभी एक प्लान भी बनाएंगे कि बच्चों को भाषा और गणित में, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पॉलिसी है 2020 की, कि कैसे प्रत्येक बच्चे को हमें दक्ष बनाना है कि वो भाषा और गणित में दक्ष हो, उसके लिए हम लोग प्लान बनाएंगे और उस प्लान का इम्प्लीमेंट करेंगे और जहां भी फील्ड में टीचर्स को कोई समस्या आती है हम लोग उसका समाधान करेंगे और पूरा सहयोग हम करेंगे उन टीचर्स का।